आज मैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स बताने वाली हूँ। ये जो वीडियो टॉपिक है, इसका रिक्वेस्ट बहुत बार आ चुके हैं मेरे पास और बहुत सारे आए हैं, तो जिसकी वजह से ही आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। यहाँ पर तो आपको लव रीडिंग मिल ही जाती हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को करियर रीडिंग भी मिलता है एंड आपके रिक्वेस्ट के वीडियोज़ भी मिलते हैं। ओके, जो रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आता है मैं उसको ही देखती हूँ, उसके ऊपर ही वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थाट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। ये रीडिंग जनरल है, सेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस होने वाला है। अब जब भी इस वीडियो तक पहुंचोगे तभी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं, यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में एकदम से नहीं सोचना है एंड आपकी पर्सन के बारे में भी आपको नहीं सोचना है। आप जिनके लिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो, जिस इंसान को सोच कर देख रहे हो, उनके बारे में भी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। जितना आप सोच सको पॉजिटिव सोचो। अगर आपके मन में पॉजिटिव ख्यालात नहीं आ रहे हैं तो इस टाइम पर आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, सो ओके, तो ओवरऑल जो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं बॉटम द डेक में, आप देख सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है, यानी आप इस टाइम पर जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपकी जो भी कनेक्शन है, जो भी बॉन्डिंग है, वो आने वाले टाइम में यानी अपकमिंग डेज में हीलिंग की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। आप दोनों के बीच में कुछ नया शुरुआत होता हुआ दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, और देख लेते हैं इस टाइम पर आपकी पर्सन, यानी आप जिनके बारे में सोच रहे हो दिल से मन से, इस टाइम पर जिसको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं इस टाइम पर, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, तो मुझे दिख रही है रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा, छोटा बड़ा मुझे दिख रही है हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुई है, जिसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां बढ़ गई हैं। वो फिजिकली भी दिख रही हैं एंड इमोशनली भी दिख रही हैं। ओके, मन से भी दूरियां इंक्रीज हो चुकी हैं और डेफिनेटली आप दोनों इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं कर रहे हो। मुलाकात थोड़ा सा कम हो गया है दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड आया है। वो इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल ऑलरेडी हो चुके हैं, सैड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, ओवरथिंकिंग किसी एक चीज़ को लेकर कर रहे हैं और साथ में ही ना एक लेट गो एनर्जी है। यानी ये इंसान इस टाइम पर सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला कहीं पर जाना चाहते हैं। इनके मन में दुख का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ये इंसान सब कुछ छोड़ कर जाना चाहते हैं। यानी इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपको ये इंसान डिजर्व नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी है। यानी बहुत ज़्यादा सैडनेस यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ चीज़ें ना इनके बारे में आपको नहीं पता है, कुछ चीज़ें हैं इनके लाइफ में जो इन्होंने शायद आपसे शेयर नहीं किया है। हो सकता है सब कुछ आपसे शेयर करते हैं पर कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते हो। इनके कंधों पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं और साथ में कुछ क्या बताऊँ बर्डन्स भी हैं उनके लाइफ में। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर के साइड से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं किसी एक चीज़ को लेकर, जिसके बारे में आपको ये इंसान नहीं बताए हैं। फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, उनके करियर के साइड से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पर डेफिनेटली इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम दिख रही हैं जिसकी वजह से इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ऑलरेडी है। उस एनर्जी के थ्रू ही आपका लव लाइफ में भी थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। ओके, और ये इंसान दिल से शर्मिंदा है, जो भी हुआ है उसके लिए दिल से शर्मिंदा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है। ये इंसान ना इस टाइम पर आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं इस बारे में एंड कुछ गिफ्ट्स भी ले आ सकते हैं, कुछ ऑफर कर सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके तरफ ले आ सकते हैं। ओके, डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सज धज के आने वाले हैं, उनकी पर्सनालिटी ये इंसान बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं कि आप दोनों शादीशुदा हो और शादीशुदा ज़िंदगी में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए हो, बेबी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, ये भी दिख रही है मुझे, पर यहाँ पर और एक चीज़ भी मुझे दिख रही है, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ एक फिज़िकल अट्रैक्शन महसूस करते हैं। ये इंसान मानते हैं कि आपके और उनके बीच में कुछ दिल का कनेक्शन है जो कभी भी नहीं टूट सकता है। होप इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये जितना भी सोचे कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ टाइम के लिए इनके सराउंडिंग्स में नेगेटिव एनर्जी दिख रही है मुझे, पर उसके बावजूद भी पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो देख लेते कुछ और कार्ड। अगर ये इंसान कुछ गलत तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं तो देख लेते हैं क्या है।
यानी उनके कुछ डार्क फीलिंग्स देख लेते हैं। सिक्स ऑफ डायमंड्स हैं, थ्री ऑफ कप्स हैं एंड थ्री ऑफ डायमंड्स। ओके, थ्री की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आया है किंग ऑफ क्लब्स। फाइन, तो देखो मुझे दिख रही है कि आप शायद बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बिज़ी रहते हो या फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो, जो बात इस इंसान को नहीं पसंद है। यानी आपके सराउंडिंग्स में हमेशा कुछ लोग होते हैं जो इस इंसान को नहीं पसंद है। आप हमेशा सेलिब्रेशन चाहते हो, हमेशा आप इंजॉय करना चाहते हो, हमेशा एकदम से मौज मस्ती में डूबे रहना चाहते हो, पर ये इंसान ना खामोशी चाहते हैं, ये इंसान शीतलता चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ लोनलीनेस चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ अकेला बैठकर कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। आपको भीड़ भाड़ पसंद है, इंजॉय करना पसंद है, पार्टी पसंद है, सेलिब्रेशंस पसंद है, और इस इंसान को आपके साथ अकेला रहना पसंद है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के थॉट्स में कुछ डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। तो यही वो बात है जो इस इंसान को एकदम से नहीं पसंद है। ओके, सो देख लेते हैं उनके अच्छे फीलिंग्स आपके लिए। ये इंसान इस टाइम पर आपके बारे में क्या अच्छे अच्छे थॉट्स रख रहे हैं। फाइन, यहाँ पर आ गया है फाइव ऑफ क्लब्स। कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं एंड में बता दूंगी। आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, और आप देख सकते हो बॉटम द डेक में है नाइन ऑफ हार्ट्स। वाओ, ये इंसान ना टाइम पर आपको लेकर बहुत सा इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में सोचना रोक नहीं पा रहे हैं। ये इंसान सोचते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ इनके माइंड में आते जा रहे हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं। वहाँ पर बॉटम द डेक में भी आप देख सकते हो आ गया था एंड यहाँ पर भी आया है, और ये इंसान आपके साथ एक नया शुरुआत चाहते हैं, एक नया स्टार्टिंग चाहते हैं। जो भी हुआ है उसको भूल कर एक नए रिलेशनशिप में आपके साथ बंधना चाहते हैं। ये इंसान हो सकता है इस टाइम पर आपको कोई शादी का प्रपोजल दे, कोई लव रिलेशनशिप का ऑफर दे दे, कुछ भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली ये इंसान कुछ चीज़ों को लेकर हेजिटेट भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यानी पास्ट में जो हुआ उसको लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर हैं, उसको लेकर सोचकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, पीछे खींचते जा रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक इन एंड आउट सिचुएशन दिख रही है मुझे। ओके, खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हैं कुछ चीज़ों में। यानी आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन तो है डेफिनेटली, रात के टाइम होते ही आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग जाते हैं, आपके पिक्चर्स को देखते हैं। हो सकता है इनके पास आपके पिक्चर्स ना हो पर इन्होंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया हो, कुछ भी हो सकता है, पर आपके पिक्चर्स को देखते हैं, आपके सोशल मीडियाज को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं रात के टाइम पर, और खुद को कंट्रोल करके रखे हैं, पैशनेट फील करते हैं पर फिर भी। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आज साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरिस की एनर्जी अलग से दिख रही है एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है एंड यहाँ पर फाइन कैप्रिकॉन की एनर्जी है, और एनर्जीज़ कुछ नहीं दिख रही है मुझे। ओके, देखो यहाँ पर मैं थ्री सॉन्ग्स लेने वाली हूँ, तो आप थोड़ा सा अच्छे से सुनना इस सॉन्ग्स को, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके तरफ से बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर होने वाले हैं, और सुनने के टाइम पर यानी गाना सुनने के टाइम पर आपको आपके पर्सन को याद करके इमेजिन करके सुनना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पर या फिर आपके जो क्रश है वो इस टाइम पर आपके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तू ही ये मुझको बता दे, ये इंसान कंफ्यूज्ड है। ओके, मुझे दिख रही है रोमांटिक सॉन्ग है ये, आप सुन लेना। मैं अगर कहूँ, देखो आपको बहुत ज़्यादा हंसी मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझते। ओह वाओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए आ गया है, यानी एक्स्ट्रा सॉन्ग जी ले ज़रा। मुझे दिख रहे हैं आप भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में पढ़ाई को लेकर, हो सकता है अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फैमिली को लेकर स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो आपको भी ये इंसान हील होने को बोल रहे हैं, दीवाना कर रहा है। डेफिनेटली बहुत अच्छे सॉन्ग हैं आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आए हैं। बॉटम द डेक में आप देख सकते हो बीते लम्हे। ओके, ये इंसान पास्ट के बारे में, यानी आपके साथ इन्होंने पास्ट में जो भी पल बिताए हैं उसको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स इनके अंदर मुझे दिख रही हैं। ओके, सो आपकी रीडिंग ओवरऑल अच्छे दिख रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, उनको गलत मत समझे। सो बाय।